पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंकों के बाहर खाता धारकों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में खाता धारक 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपए ही अब निकालने के उनको आदेश मिले, जिसके बाद वो विरोध कर रहे हैं। आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंकों में अनियमितता सामने आने के बाद कार्रवाई करते हुए कड़े निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इस बैंक के खाता धारक 6 महीने तक सिर्फ 1,000 रुपए ही निकाल सकेंगे, जिससे खाता धारक नाराज हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरें आप न्यूज 18 एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, ये बैंक के बाहर की तस्वीरें जहां लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपए ये निकाल पाएंगे, जिससे इनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। इन्हें अगर कैश की जरूरत होगी तो इनकी दिक्कतें कैसे सुलझेंगी, और इन्हीं समस्याओं के साथ ये लोग बैंक के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इस बैंक में जिनके पैसे हैं खाता धारक लोग इस बैंक के जो हैं वो बेहद नाराज हैं। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला हुआ है। रिजर्व बैंक ने सिर्फ 1,000 रुपये ही आप विड्रॉ कर सकते हो ऐसा नियम निर्णय लिया है। मैं रिजर्व बैंक के अधिकारी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ में चर्चा कर रहा हूँ। जो छोटे निवेशक हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हम प्रयत्नशील हैं। आशीष और विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा आप दिखाइए कि वहाँ लोग किस कदर परेशान हैं, किस तरीके से ये लोग हंगामा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर देखें तो पीएमसी बैंक है और पीएमसी बैंक का दरवाजा जो है, शटर जो है वो गिरा दिया गया है, और पुलिस का कड़ा बंदोबस्त आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको दिखाई पड़ेंगे कि जो यहाँ के कई खाता धारक हैं वो या खाता धारक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा असंतोष खाताधारकों के अंदर ये है कि 35A के तहत जो रेगुलेशन जो लागू किया गया है उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं केवल 1,000 रुपए ही निकाल सकते हैं, और ये 1,000 रुपए निकालने को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। कहीं ना कहीं मैंने अभी बैंक से बात हुई है, बैंक मैनेजर से मेरी बात हो गई, वो मैडम से बात होगी, उन्होंने बोला कि आरबीआई ने कुछ रूल फॉलो नहीं किया, इसकी वजह से हमारा अकाउंट सबको बंद कर दिया है। 6 महीने में खाली 1,000 रुपये देगा, ऐसा उसका फॉलो आया, लेकिन आगे कुछ हुआ है उसको अभी तक उन लोगों को भी पता नहीं। वो लोग के टॉप लेवल के वो लोग की बातें चल रही है, लेकिन मेरा एक कहना है सब लोगों को, क्योंकि आरबीआई और ये बैंक कुछ नहीं कर सकता है, अभी इलेक्शन आ रहा है, इससे पहले हम लोग सीएम के पास सब चलते हैं और ये बैंक चालू करने के लिए पैसा सबको देने के लिए 1,000 रुपये किसी को कहीं कहीं 1,000 रुपये को लेकर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो लोगों का हुजूम है वो इकट्ठा है। ये वो खाता धारक है जो खाता धारक कहीं ना कहीं परेशान है। आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या बताया गया, बैंक की तरफ से क्या बोला गया? बैंक की तरफ से कहा गया है कि आपका एक फिलहाल 6 महीने के लिए सारी जो बैंक की कार्रवाई है स्थगित की गई है, और उनका आरबीआई का जो रूल है A35 करके उसके धारा के हिसाब से इनका बैंकिंग लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल इनकी एक्टिविटी बंद की गई है। मुझे तो सीधा यही लग रहा है कि ये नेशनलाइज बैंक को प्रमोट करने के लिए सारे प्राइवेटलाइज बैंक को ऐसे तकलीफ पहुंचाया जा रहा है ताकि पब्लिक का ट्रस्ट टूटे इनसे और नेशनलाइज बैंक में सारा अपना अकाउंट ओपन किया। कहीं ना कहीं देखें तो पुलिस का कड़ा बंदोबस्त आपको दिखाई पड़ेगा, ये बैंक पर लगाया गया बंदोबस्त है और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी झेल रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ? हमारा 2,00,000 रुपये शेयर है, क्या करें उसका? 2,00,000 रुपये सेविंग शेयर है अलग है, पर शेयर भी 2,00,000 में है। क्या बोला गया? अभी तो कुछ बोलता नहीं हूँ, बाद में अभी नहीं। तो किसी ने शेयर कहीं ना कहीं लोगों के बैंक के खाते और कहीं ना कहीं देखे, यहाँ पर लोग जो है वो भर के हुए हैं। आज एक बात बताएं, हम लोग घर के काम करके पैसे जमा कर ले, हमारे बिक्स में पैसे है, वो कब देंगे वो लोग? उनको बोलो पैसे देवे, नहीं तो तोड़ते हैं हम लोग सब। कसम से बोलती पब्लिक मिलकर तोड़ डालो सब। पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये हंगामा केवल यहाँ पे ही नहीं है, अगर आप पीछे भी नजर डालेंगे जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक जी लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। ये वो खाता धारक हैं जो बैंक के बाहर आके इकट्ठा हुए हैं। अचानक ही सुबह मैसेज आता है, कहा जाता है कि 35A लागू हुआ है जो है कहीं ना कहीं, और ऐसे में जो है उन्हें केवल 1,000 रुपए ही निकालने की अनुमति होगी, इसके अलावा जो है किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, लोन नहीं दिया जा सकता, जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे जो शेयर जिन्होंने पीएमसी के शेयर खरीदे हुए हैं उसके अलावा जो खाता धारक है वो कहीं ना कहीं गुस्से में है। और यहाँ पर इस वक्त सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस का कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो लगाया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि हालात नियंत्रित की जाए, और लोगों को ये कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो बात कर रहा है आरबीआई से।
शांति गुप्ता नाम है, बंसीलाल का औरत है। 7 लाख दूसरे बैंक से लोन उठा के लड़की की शादी के लिए डाल रही थी। दिवाली बाद हमारे लड़की की शादी और बैंक बंद हुआ। बैंक वालों ने कुछ कहा आपको? कब कुछ भी नहीं बोलता है कि 1,000 रुपया 6 महीने में 1,000 रुपया निकाल सकते। बहुत बड़ी दिक्कत आ गई शादी के लिए, फिर कह रहे हैं आपने को बैंक मेरी बेटी की शादी में सब बोला बोला है। अभी 2-4 दिन के बाद कुछ सिलेक्शन निकलेगा, उसके बाद बता सकता, इसके पहले नहीं बता सकता, ऐसा बोला। तो 6 महीने में सिर्फ आप 1,000 रुपए निकाल पाएंगे, ऐसे में जो लोग हैं बेहद परेशान हैं। दादर से विवेक गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, वहां लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि 6 महीने में अगर 1,000 रुपए निकाल पाएंगे वो काम चल जाएगा उनका? देखिए, यहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिस तरह आशीष बता रहे थे, वो बैंक के बाहर का शटर बंद कर चुका है, लेकिन इस समय हम मुंबई के दादर के जो ब्रांच है वहाँ पर मौजूद है और बैंक के अंदर मौजूद है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो लोग पैसा निकालने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लगे हैं, उन्हें यहाँ के पता चल रहा है कि बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, अर्पिता, मैं उनसे बात करूंगा। देखिए, ये अपने पैसा निकालने आई थी लेकिन पैसा नहीं निकाल पा रही। फाइनली जो इनकी गाड़ी कमाई थी, लॉकर इन्हें खुलना पड़ रहा है, लॉकर से पैसे निकालने पड़ रहे हैं, जो जेवरात लॉकर में वो निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि अंदाजा होगा कि 6 महीने में 1,000 रुपये से खर्च चलने वाला नहीं है। ये बताइए मैम, कितनी तकलीफ हो रही है अभी पैसे निकाल पा रहे हैं? तकलीफ हो रही है क्योंकि 6 महीने के में एक ही 1,000 निकालने का, 1,000 फाइल बाद में पैसा निकालने का, और हमारा पैसा उसमें है तो हम लोग कैसा चलेंगे अभी 6 महीने में। तो फिर जो अपने लॉकर में इन्वेस्ट किया था उसको निकाल रही है? हाँ, खाली लॉकर में हमारा जो जेवर था ना वही निकाल रहे, बाकी तो हमारा जो पैसा है वो इधर ही है बैंक में। तो ये बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? अभी वो बोल रहे हैं कि 6 महीने में हाथ नहीं लगाने का, 6 महीने के बाद, और उसका तो गारंटी नहीं, 6 महीने के बाद होता है, कितना टाइम लगता है क्या मालूम अभी, है ना। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो लोग हैं यहाँ पर बैंक के अंदर मौजूद है, बैंक के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर क्या सीजन आए थे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आरबीआई ने क्या बोला? कस्टमर्स आए, उनको आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे? दे विल इन्फॉर्म सर, प्लीज। देखिए सर, जो मैसेज आए हैं नहीं पता कस्टमर्स से, यहाँ पर सही का है तो मुझे यहाँ से नहीं मिलेगा पैसा। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, इट्स नॉट फेयर। नहीं, प्लीज फोन करके बोलो, इट्स नॉट फेयर। मैं कितनी मैम, सर हम लोग आप ही लोग आए, मैं कितनी प्रॉब्लम हो रही है? इंटीमेशन आपको दिया गया था पहले? क्या इंटीमेशन दिया गया था पहले आपको? नहीं जी, नहीं दिया था, सॉरी। तो आप लोग क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हैं, उनको अंदाजा इस बात का नहीं था कि बैंक में आने के बाद सिर्फ 6 महीने में 1,000 रुपए उन्हें निकाली जरूरत देगी। कुछ लोगों से हम और बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। हालांकि जो पुलिस प्रोटेक्शन है बैंक के अंदर, जो पुलिस प्रोटेक्शन है यहाँ पर लगा दिया गया है कि कोई अनहोनी या लॉ एंड ऑर्डर ना डिस्टर्ब हो, उसके लिए पुलिस को बकायदा बैंक के अंदर भेज दिया गया है। कुछ लोगों से और हम बात करते हैं कि बताइए कि मैम, अभी 1,000 रुपये नहीं निकल पा रही तो कितनी तकलीफ हो रही है? नहीं, थोड़ी दिक्कत तो होगी ना, अभी इतना टाइम हमको 6 महीना उन लोग बोल रहे हैं, उनका खुद स्टाफ बोल रहा है कि ये 6 महीना नहीं, इसको और टाइम लग भी सकता है, हमें खुद को गारंटी नहीं है। तो हालांकि हम यहाँ पे लॉकर में से जो कुछ भी हो निकालने आए, क्योंकि पैसा तो समझो आगे जाके चल जाएगा, मतलब ऐसे अगर गया तो क्या करेंगे, पर लॉकर में जो गोल्ड है वो तो हम लोग चेक दिए हुए हैं। हम लोग ने EMI में लिया, तो EMI में हमने चेक दिए हुए, तो उसका क्या होगा? हमारे चेक बाउंस हो जाएंगे तो फिर हमारी जो हमने हाउस होल्ड सामान लिया है उसका क्या होगा? तकलीफ हो रही काफी ज्यादा। नेचुरली हमने चेक दिए हुए हैं, आगे बजाज कंपनी वगैरह को हमने चेक इशू किए हुए हैं, वो कैसे पास होंगे EMI पे जो सामान लिया है। तो आप पिता समझ सकते हैं कि EMI पे सामान लिए हुए हैं, लोन दिया हुआ है, घर को चलाना है, और मुंबई जैसे महंगे शहर में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपये निकालना है, तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बैंक में जो माहौल है, अगर मैं अपने कैमरे राजेश साहब से बोलूँगा, आप बैंक का माहौल दिखाइए कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि बैंक के आने के बाद उन्हें बैंक ने सीधे बोले कि 6 महीने के अंदर वो सिर्फ 1,000 रुपये से ज़्यादा निकाल नहीं सकते। ये सब बताइए कि आपके ये मैसेज कब आया था? ये मैसेज पहले आया था, इसके मेरा 2,00,000 रुपया बाकी है। हाँ। अभी मेरा गाड़ी का हफ्ता कैसा जाएगा ये देखो, आप मैसेज कैसे, पूरा मैसेज है मेरे पास। अभी बोलते हैं 1,000 रुपये खाली तुम निकाल सकते हैं, 6 महीने तक तो कोई ट्रांजेक्शन कर सकता नहीं, खाली 1,000 रुपये मिलेगा तुमको। लेकिन 1,000 रुपये से काम कैसे चलेगा? 1,000 क्या, मेरे 2,00,000 रुपये अंदर है इसमें 1,000 रुपये में हमारा घर थोड़ी चलेगा, ये सब चीज़ में EMI से बाकी सब चीज़ें। तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई के लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र में पंजाब महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक है, लाखों जो कस्टमर हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, उनके सवाल से एक ही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उनका घर कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा, और जो EMI पर उन्होंने सामान खरीदा है घर का जो EMI है वो भरेंगे कैसे। बिल्कुल, ये सारी समस्याएं हैं लोगों के सामने और इसीलिए वो मजबूर हैं वहां प्रदर्शन करने के लिए, विरोध जताने के लिए। बहरहाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, जहां इमरान खान के तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। और तख्ता पलट की ये कोशिश कोई और दूसरा नहीं बल्कि खुद इमरान खान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। और ये चर्चा भी पाकिस्तानी मीडिया में लगातार चल रही है कि इसके लिए शाह महमूद कुरैशी लगातार देश में और बाहर भी लॉबिंग करते जा रहे हैं, और ये तैयारी खुद शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया में लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि इमरान खान के तख्ता पलट की तैयारी अब पाकिस्तान में चल रही है। शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम बनने के लिए संदीप बोल हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। संदीप, क्या महज ये चर्चा है या वाकई इस तरह की कोई हरकत पाकिस्तान में हो भी रही है? बिल्कुल, देखिए पूरी कोशिश है पाकिस्तान में इस तरीके की तख्ता पलट की। और खास बात तो ये है कि अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में भी लोग जानते हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम लोग बात करें शाह महमूद कुरैशी की, वो मुल्तान यानी कि पंजाब प्रोविंस जो है वहाँ पे अच्छा रसूख रखते हैं, वहाँ पे जो असेंबली है उसमें भी वो चुने जा चुके हैं और वहाँ पे बेहतरीन तरीके से काम भी किया है। और उसी के नजर से जो है अब शाह महमूद कुरैशी जो है कोशिश में लगे हैं कि किसी तरीके से जो कम जो जानकारी या कम एक्सपीरियंस वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री को जिसको कि सेना ने आगे बढ़ाया है और कहीं ना कहीं सेना जो उनसे खुश भी नहीं है, तो ऐसे में इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दो, शाह महमूद कुरैशी ने शुरुआत की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, उसके बाद जब ये जियाउल हक के मौत के बाद ये पर नवाज शरीफ के साथ आ गए, उसके बाद ये बेनजीर भुट्टो की पार्टी में भी रहे 20 साल तक, उसके बाद तहरीक इंसाफ पार्टी में ये इस वक्त मौजूद। लेकिन संदीप ये बड़ी खबर है कि अब पाकिस्तान में इस पर चर्चा भी लगातार हो रही है कि खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इमरान खान के तख्ता पलट की तैयारी में मीडिया में किस तरह से चर्चा हो रही है, दर्शकों को एक बार फिर सुनाते हैं। शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं अंदरून मुल्क भी बैरून मुल्क भी। और इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश नयन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, जिस तरह की पाकिस्तानी मीडिया में अब चर्चा है कि विदेश मंत्री पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी ही इमरान खान का तख्ता पलट करने की तैयारी में हैं, क्या ये महज चर्चा है या ऐसे ही कोई तैयारी वाकई चल भी रही है? नहीं देखिए, इसके अंदर हम सिर्फ इसको चर्चा नहीं कह सकते, क्योंकि जितने भी हालात पाकिस्तान के अंदर कुछ दिनों से चल रहे हैं और खासकर जो बाजवा जनरल बाजवा और इमरान खान के जो आपस के रिश्ते थोड़े कड़वे हो रखे हैं, चाहे वो विजिट में इकट्ठे जाना हो वहां पे वो साथ में नहीं गए, चाहे वो अमेरिका के पिछले दौरे के दौरान उग्रवादी हमारे उनके पाकिस्तान में है या उनके तंजीम में पाकिस्तान में है ऐसे वक्तव्य दिए गए हो, यहाँ तक कि जो गजनबी मिसाइल छोड़ी गई थी उसके बारे में भी उस पर भी जनरल बाजवा और इमरान खान के आपस में काफी तनातनी हुई। दूसरा पहलू ये है कि जो फजलुर रहमान आपका जमात उलेमा इस्लामी और सिराज उल हक जमात इस्लामी के जो दोनों कट्टरपंथी लोग पार्टी के लोग हैं, इन्होंने पहले से ही इस्लामाबाद को घेराव करने के लिए एक घोषणा कर रखी कि इमरान खान अगर 30 सितंबर तक गति नहीं छोड़ते तो पीपीपी और बाकी पीएमएल के साथ में मिलकर के ये लोग इस्लामाबाद को घेरेंगे और इसको गद्दी से हटा देंगे। तीसरा पहलू इसका ये है कि चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो महमूद कुरैशी या फिर मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो इनके वो रेल मंत्री हैं शेख चिल्ली शेख रशीद, ये सभी लोग इस तरह के लोग हैं जो पुरानी, और इसीलिए भी पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें लगातार चल रही है और इस पर चर्चा हो रही है। फिलहाल दिनेश जी शुक्रिया। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है छत्तीसगढ़ के कांकेर में, जहां नक्सलियों ने एक हमला किया है और एक पेट्रोल टैंकर को उड़ा दिया गया है, 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। बताया जा रहा है कि रेलवे के काम में यह टैंकर लगा हुआ था और तभी नक्सलियों ने हमला किया और इसके बाद फायरिंग भी शुरू हो गई है। इस पूरे मौके पर लगातार एनकाउंटर जारी है और नक्सलियों को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ के कांकेर और आसपास के इलाकों में, जहां पर नक्सली लगातार सक्रिय हैं, वहां एक और बड़ी वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया है और एक पेट्रोल टैंकर को यहां उड़ा दिया गया है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इसके बाद मौके पर ही एनकाउंटर भी शुरू हो गया है और लगातार इस पूरे इलाके में नक्सलियों को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस तरह की कोई आशंका नहीं थी, जिस रूट से ये टैंकर जा रहा था वो आगे रेलवे के काम में डीजल सप्लाई करने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन
अचानक यहां नक्सलियों ने घात लगाकर हमला भी किया, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा धमाका और इसमें डीजल टैंकर उड़ा दिया गया है। तीन लोगों की मौत इसमें हो गई है और अब पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और पूरे आसपास इलाके में अब नक्सलियों की तलाश की जा रही है। आदित्य राय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, क्या ताजा जानकारी है, कैसे आखिर कामयाब हो पाए ये नक्सली हमला करने में? प्रशांत, ये जिस इलाके में ये जो घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर डीजल का एक टैंकर उड़ाया गया है, वो पूरी तरीके से घनघोर जंगल है और नक्सलियों के अफेक्टेड वाला इलाका है। यहां पर पूरी तरीके से नक्सलियों की सल्तनत चलती है। इस इलाके को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पखांजूर से बस्तर एक रेलवे लाइन का काम चल रहा है। नक्सली काफी लंबे समय से इस रेलवे लाइन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये रेलवे लाइन वहां पहुंचती है तो नक्सलियों का गढ़ वाला ये इलाका मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। ये डीजल टैंकर रेल निर्माण कार्य में लगे हुए वाहनों को डीजल की आपूर्ति करने जा रहा था और आज करीब 11 बजे के आसपास नक्सलियों ने इस टैंकर को ब्लास्ट कर दिया। आईडी लगा रखी थी सड़क के नीचे और जैसे ही आईडी के ऊपर से ये टैंकर गुजरा, उसी दौरान नक्सलियों ने आईडी को ब्लास्ट कर दिया। ये आईडी इतनी बड़ी थी और ये ब्लास्ट इतना भीषण था कि हेवी जो डीजल का जो टैंकर था, भारी भरकम टैंकर था, ये कई मीटर दूर तक जा गिरा और इसके परखच्चे जो है वो उड़ गए। इसके कुछ देर बाद जब इस घटना की जानकारी सुरक्षा बलों और पुलिस को लगी तो सुरक्षा बल के जवान, सीआरपीएफ के जवान और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान घटनास्थल पर पहुंचे। उस दौरान नक्सलियों ने एम्बुश लगा रखा था और इसी जगह पर नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों के पहुंचते ही तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इसमें सुरक्षा बल का कोई जवान हताहत नहीं हुआ है, निर्दोष जवाब सुरक्षा बल के जवानों ने दिया। बाढ़ की तस्वीरें, बिहार के खगड़िया में बाढ़ विकराल रूप धारण करती जा रही है। 22 से ज्यादा पंचायतों के बाढ़ से प्रभावित होने का दावा किया गया है। बाढ़ ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे वहां के जो लोग हैं उनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं। आलम यह है कि कई इलाकों में पानी लोगों के कमर से भी ऊपर तक भर चुका है। इलाके में स्कूल, घर, दुकान, मकान, सड़क सब पानी में समा चुके हैं। 22 से ज्यादा पंचायतों के लोग इस बाढ़ के काल से जूझ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से 50 नावों को बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पानी में उतारने का दावा किया गया। 22 जगहों पर राहत शिविर बनाने की बात भी अधिकारियों की तरफ से कही गई है। पाया की स्थिति जरूर गंभीर है और हम लोग का सभी जगहों पे नियमित रूप से कैंप का संचालन हो रहा है, कम्युनिटी किचन चालू है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुल पार करते वक्त एक लड़का पानी के बहाव में बह गया। बताया गया कि गांधी सागर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद पुल पर पानी का बहाव काफी तेज था, जहां ये लड़का पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब युवक का हाथ पुल के किनारे लगी रेलिंग से छूटा तो वो पानी में बह गया, जिसका अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल एक वक्त पर ये पुल हुआ करता था जिससे लोग इस तरफ से उस तरफ जाया करते थे, लेकिन आज आलम यह है कि इसके ऊपर से पानी बहता हुआ दिख रहा है और इसी खतरनाक पुल को पार करने की दरअसल इस युवक ने कोशिश की, जान जोखिम में डाली, जिसके बाद इसका संतुलन बिगड़ा और ये पानी के तेज बहाव के साथ बहता चला गया। अभी इसको ढूंढने की कोशिश वहां पर बचाव दल के द्वारा की जा रही है। वही उत्तर प्रदेश में महोबा के पास मूसलाधार बारिश की वजह से झांसी मिर्जापुर हाईवे का एक हिस्सा बह गया और कई लोग वहां फंस गए। भारी बारिश की वजह से महोबा के कई इलाकों में भी पानी भर गया और झांसी मिर्जापुर हाईवे पर तो सड़क टूटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। भारी बारिश के बाद आए सैलाब में सड़क का एक हिस्सा गायब हो गया, जिसके कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति है, लोग दोनों ही छोर पर फंस गए हैं। दरअसल ये झांसी मिर्जापुर हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक सड़क टूट गई जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। पानी का बहाव इतना तेज कि ये पानी अपने साथ सब कुछ बहाती हुई दिख रही है। वही मध्य प्रदेश के डिंडौरी में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उफनती नदी के बीच से गुजरने को मजबूर है। लोगों की शिकायत है कि कई सालों से प्रशासन से नदी पर पुल बनवाने की गुजारिश करने के बावजूद अब तक पुल नहीं बन सका है, जिसकी वजह से वहां के जो स्कूली बच्चे हैं वो अपनी जान की बाजी लगाकर स्कूल जाने को मजबूर दिखाई दिए। पानी के तेज बहाव से बचने के लिए सभी बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे किनारे पर पहुंच गए। इलाके के लोगों ने बताया कि प्रशासन ने उनकी पुल बनवाने में जो मांग उनकी थी उस पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से उन्हें हर रोज कई किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। आज तक इसका कोई
सुनागत ही नहीं हो पा रहा है सर। हम इससे बहुत परेशान हैं क्योंकि गांव में भी जैसे बीमार बीमार पड़ गए सर, तो इसके लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है सर। लंबा दूर पड़ता है, 4 किलोमीटर दूर आते जाते हैं और रोगियों को यहाँ वहाँ ले जाने से बहुत दिक्कत जाता है। बारिश में बाढ़ आती है तो 2-3 महीने हम स्कूल नहीं जाते हैं। नदी को पार करते समय डर नहीं लगता? लगता है डर। क्या करें सर, स्कूल तो जाना ही पड़े। सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे लिए ये रास्ता को पुल वुल बनवा दें। आवश्यकता है, बच्चे लोगों को आवागमन में दिक्कत है, इसलिए उसको हम अपन ने लिया है प्रपोजल में, तो एस्टिमेट बना के अपन सबमिट करेंगे और गवर्नमेंट को भेजेंगे उसको सैंक्शन के लिए। स्थल निरीक्षण हो गया, उसका एस्टिमेट हम बनवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में नहर में कटान की वजह से सैकड़ों एकड़ में जल लगी फसल है वो बर्बाद हो गई। नहर का पानी मिट्टी के कटान के बाद खेतों में बह गया, जिसके लिए किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। 2700 करोड़ की लागत से नहर बनकर तैयार हो रही है, लेकिन पानी के तेज बहाव से वहाँ काफी नुकसान हुआ है। तो महोबा की तस्वीरें जरा देखिए, कटान की वजह से जो लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ अपनी फसल को सींचा, वो फसल दरअसल बर्बाद हो चुकी है, जिसके बाद लोग वहां पर अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वक्त रहते अधिकारियों ने कदम उठा लिया होता तो स्थिति ऐसी नहीं होती। बिहार के खगड़िया में बाढ़ विकराल रूप धारण करती जा रही है। 22 से ज्यादा पंचायतों के बाढ़ से प्रभावित होने का दावा किया गया। बाढ़ ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कई इलाकों में पानी लोगों के कमर से भी ऊपर भर चुका है। इलाके के स्कूल, घर, दुकान, मकान, सड़क सब पानी में समा चुके हैं। 22 से ज्यादा पंचायतों के लोग इस बाढ़ के काल से जूझ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से 50 नावों को बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पानी में उतारने का दावा किया गया। 22 जगहों पर राहत शिविर बनाने की बात भी अधिकारियों की तरफ से कही गई। पाया की स्थिति जरूर गंभीर है और हम लोग का सभी जगहों पे नियमित रूप से कैंप का संचालन हो रहा है, कम्युनिटी किचन चालू है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुल पार करते वक्त एक लड़का पानी के बहाव में बह गया। बताया गया कि गांधी सागर बांध से पानी छोड़ा जाने के बाद पुल पर पानी का बहाव काफी तेज था, जहां ये लड़का पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब युवक का हाथ पुल के किनारे लगी रेलिंग से छूटा तो वो पानी में बह गया, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। एक लड़का पानी में बहता हुआ तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हालांकि इसे ढूंढने की तलाश करने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक लड़के का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर की ये तस्वीरें हैं। दरअसल ये लड़का आपको तस्वीरों में बहता हुआ नजर आ रहा था। ये पुल जो अब पानी से लबालब भरी आपको नजर आ रही, इसी पुल को पार करने का जोखिम इस लड़के ने उठाया था, जो उस पर लहंगा पड़ा। पानी के बहाव में संतुलन ये लड़का नहीं बना पाया और बहाव में बहता हुआ तस्वीरों में कैद हो गया। हालांकि अभी फिलहाल लड़के को ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ भी पता लड़के के बारे में नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश के महोबा के पास मूसलाधार बारिश की वजह से झांसी मिर्जापुर हाईवे का एक हिस्सा बह गया और कई लोग वहां फंस गए। भारी बारिश की वजह से महोबा के कई इलाकों में भी पानी भर गया और झांसी मिर्जापुर हाईवे पर तो सड़क टूटने से लोगों की मुश्किल बढ़ गई। भारी बारिश के बाद आए सैलाब में सड़क का एक हिस्सा गायब हो गया, जहां गाड़ियों की लंबी कतार के साथ एक एम्बुलेंस भी सड़क के एक ओर फंस गई। लोग हाईवे पर ही घंटों मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन इस बीच रुक रुक कर हो रही बारिश ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया। बताया गया कि सड़क दुरुस्त ना होने की वजह से वहां फंसे विदेशी सैलानी मध्य प्रदेश के खजुराहो रवाना हो गए। वहीं मध्य प्रदेश के डिंडौरी में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उफनती नदी के बीच से गुजरने को मजबूर है। लोगों की शिकायत है कि कई सालों से प्रशासन से नदी पर पुल बनवाने की गुजारिश करने के बावजूद अब तक पुल नहीं बन सका, जिसकी वजह से वहां के स्कूली बच्चे अपनी जान की बाजी लगाकर स्कूल जाने को मजबूर दिखाई दिए। पानी के तेज बहाव से बचने के लिए सभी बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे किनारे पर पहुंच गए। इलाके के लोगों ने बताया कि प्रशासन ने उनकी पुल बनवाने की मांग पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से उन्हें हर रोज कई किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। आज तक इसका कोई सुनागत ही नहीं हो पा रहा है सर। हम इससे बहुत परेशान हैं क्योंकि गांव में भी जैसे बीमार बीमार पड़ गए सर, तो इसके लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है सर। लंबा दूर पड़ता है, 4 किलोमीटर दूर आते जाते हैं
और रोगियों को यहाँ वहाँ ले जाने से बहुत दिक्कत जाता है। बारिश में बाढ़ आती है तो दो तीन महीने हम स्कूल नहीं जाते हैं। नदी को पार करते समय डर नहीं लगता? लगता है डर। क्या कारण सर? स्कूल तो जाना ही पड़े। सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे लिए ये रास्ता को पुल वुल बनवा दें। आवश्यकता है, बच्चे लोगों को आवागमन में दिक्कत है, इसलिए उसको हम अपन ने लिया है प्रपोजल में, एस्टिमेट बना के अपन सबमिट करेंगे और गवर्नमेंट को भेजेंगे उसको सैंक्शन के लिए। स्थल निरीक्षण हो गया, उसका एस्टिमेट हम बनवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में नहर में कटान की वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। नहर का पानी मिट्टी के कटान के बाद खेतों में बढ़ गया, जिसके लिए किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। 2700 करोड़ की लागत से नहर बनकर तैयार हो रही है, लेकिन पानी के तेज बहाव से काफी नुकसान हुआ है। तो ये आरोप अधिकारियों पर लग रहे हैं कि दरअसल उन्होंने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से ये जो पानी है ये खेतों तक पहुंच गया, किसानों की लहलाती जो फसल है वो बर्बाद हो गई है, कई जो फसल वहां पर लोगों की खड़ी थी वो खराब हो गई है। कटान के बाद खेतों में कहा जा रहा है कि इस तरीके की मुसीबत लोगों के लिए आई है, जिसके बाद अब अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप गाँव वाले लगा रहे हैं कि वक्त रहते अगर इन्होंने अपना काम दुरुस्त किया होता तो इस तरीके की स्थितियाँ नहीं पैदा होती। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ही घेर लिया। घेराव करने वाले लोगों ने इलाके में पक्की सड़क नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई और जैसे ही तेज प्रताप यादव वैशाली के महुआ में अपने विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, वहां के लोगों ने उनके काफिले को रोक लिया और उनकी गाड़ी के सामने प्रदर्शन करने लगे। उसको बोला हुआ आलोक जी बोलते हैं, देखेगा वो देखेगा, उसमें लोग गड़बड़ा जाता है। सर आलोक जी का रोड कैसे हुआ आसपास क्षेत्र में है ना? पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला आज भी जारी है। पेट्रोल दिल्ली में 22 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी उसमें दर्ज की गई है। दूसरी ओर दिल्ली और कोलकाता में डीजल 14 पैसे प्रति लीटर महंगा बिक रहा है, जबकि मुंबई और चेन्नई में डीजल के दाम में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी के तेल प्लांट पर 14 सितंबर को हुए हमले के बाद भारत में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उछाल जारी है। मैं इस समय पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, अंधेरी का भारत पेट्रोल पंप है ये। यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, आज के रेट 79.73 है, जो 21 पैसे बढ़ा है। और वहीं डीजल के दामों की बात करें तो डीजल का दाम 15 पैसे बढ़ा है। हमारे साथ तमाम सारे कंज्यूमर हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं। आप बताइए, रोज़ आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी जेब पर कितना असर पड़ता है? स्टूडेंट हम से कम 2000 का खर्चा होता है पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल जाता है, इसके लिए आप प्रॉब्लम होता है। और सैलरी भी नहीं है अपनी, जो जितना दाम बढ़ते हैं तो पेट्रोल डालने के लिए और क्या। बिल्कुल, यहाँ पर जो कस्टमर हैं वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसका असर सीधे उनकी जेब पर पड़ता है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी के दो नेताओं के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही नेताओं ने जमीन के खरीदने का दावा किया और एक दूसरे से उलझ पड़े, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर बहस होने लगी। मौके पर पुलिस की मौजूदगी में दोनों नेता जमीन को अपना बताते हुए एक दूसरे पर कब्जा करने का आरोप लगाने लगे। हैरानी की बात ये थी कि जिस जमीन के लिए दोनों नेता आपस में लड़ रहे थे उनके पास जमीन के कागजात मौजूद नहीं थे। बताया गया कि जमीन विवाद का ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। इससे पहले जब एक पक्ष की ओर से जमीन पर बन रहे एक इमारत को गिराने के लिए वहां बुलडोजर ले जाया गया तो दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए और विवाद बढ़ गया। जमीन विवाद को बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को सख्त चेतावनी दी। ये सब बिना नंबर की गाड़ियां, ये गुंडागर्दी कर रहा है। सरकारी जमीन सरकारी नहीं है मेरी। गाड़ीता को लेकर कोई विवाद ना हो, डिस्प्यूट ना हो, बलवा ना हो, ये पुलिस का काम है। तो हमने एडिशनल एसपी साउथ को निर्देशित किया है दोनों पक्षों का प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दें। ऐसी घटना अगर दोबारा घटित होती है फाइनल बाउंड ओवर कर रहे हैं, दोनों पक्षों को हम जेल भेजेंगे। वही दिल्ली से लगे गुरुग्राम में एक बेटे ने अपने पिता की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। बताया गया कि पिता की हत्या के बाद आरोपी बेटे ने अपनी माँ पर भी चाकू से वार किया। आरोपी की माँ को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर दिया।
वहीं मुंबई के कांदिवली में एक चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में ये भीषण आग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और उसे जलाकर राख कर दिया। बताया गया कि कार में जिस समय आग लगी उसमें सिर्फ कार का ड्राइवर मौजूद था, जिसने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग की जानकारी वहां से गुजर रहे लोगों ने दमकल विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई है। जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना के 20 सीटों का बंटवारा और फॉर्मूला इसी मुलाकात में तय किया जाएगा और औपचारिक घोषणा भी की जा सकती है। इससे पहले भी लगातार बातचीत का सिलसिला चलता रहा है, लेकिन अब 26 तारीख को जब अमित शाह मुंबई में होंगे, उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात होगी। माना यह जा रहा है कि सीटों का बंटवारा इसी में तय किया जाएगा। 288 सीटों पर फिलहाल शिवसेना चाहती कि दोनों बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन अभी भी बातचीत का सिलसिला नहीं थमा है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, क्या ये माना जाए कि बातचीत पहले से चल रही है, मसला हल नहीं हो पा रहा है और अमित शाह के आने पर ही मसला सुलझेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन शिवसेना पुराने फॉर्मूले 50-50 पर अड़ी हुई है। हालांकि बीजेपी लगातार उसे बार्गेन कर रही है और करीब अभी जो खबर आ रही है 125 से 130 सीटें देने की बात बीजेपी ने की है, लेकिन फिलहाल इस पर पेच अटका हुआ है, क्योंकि अभी शिवसेना चाह रही है कि कुछ और सीटें बीजेपी से ली जा सकें। हालांकि बीजेपी ने साफ किया है कि अलायंस में जो छोटे पार्टनर्स हैं उनको वो सीटें अपने कोटे से देने की कोशिश करेंगे। और आखिरी मुहर अमित शाह 26 तारीख को मुंबई में है और ये पूरी तरीके से राजनीतिक दौरा है अमित शाह का, जहां पर वो सीटों के बंटवारे को लेकर के शिवसेना से बात करेंगे, साथ ही पूरी स्ट्रेटेजी बीजेपी की तैयारी करेंगे। अगर शिवसेना नहीं आती है बीजेपी के साथ आखिरी मौके पर, तो बीजेपी की आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, उन सारी चीजों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। और उसके साथ साथ उम्मीद की जा रही है कि शिवसेना को अपने साथ लेने के लिए अमित शाह खुद उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं या उनसे बातचीत हो सकती है। शुक्रिया। बढ़ रहे आगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान इमरान खान को उस वक्त एक और बड़ा झटका लगा जब ट्रंप ने भारत की सहमति के बिना कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने साफ कर दिया कि दोनों पक्षों के राजी हुए बिना वो मध्यस्थता के लिए हामी नहीं भर सकते। It will be dependent on both of these gentlemen. Certainly, I would be willing to help if both Pakistan, let's say, and India wanted me to do that. I am ready, willing, and able. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से भारत के खिलाफ दुनिया भर में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। और ऐसा ही वाकया उस वक्त भी पेश आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के बीच हुई बैठक के बाद ये देखने को मिला, जब पाकिस्तान के एक पत्रकार ने ट्रंप से कश्मीर पर सवाल पूछने की कोशिश की, जिस पर खींचते हुए ट्रंप ने पहले तो पाकिस्तानी पत्रकारों को फटकार लगाई, इसके बाद उन्होंने अपने बगल में बैठे इमरान की ही खिंचाई कर दी और ट्रंप को भड़कते देख इमरान खान भी छेद गए। Are you a member of this team or are you? I'm not a member of this team. You know what? You're saying what you think. Where do you find reporters like this? These guys are fantastic. तो इमरान खान लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि 370 के मुद्दे पर किसी का समर्थन मिले, लेकिन वो समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप वहां पर खींचते हुए जवाब देते नजर आए और इमरान खान भी वहां पर छेपते हुए नजर आए जब पाकिस्तानी पत्रकार उनसे ये सवाल पूछते दिखे कि कश्मीर पर वो क्या कहेंगे। Are you a member of this team or are you? I'm not a member of this team. You know what? You're saying what you think. Where do you find reporters like this? These guys are fantastic. Okay.
पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर जुल्म व सितम लगातार जारी है। एक और घटना इसी तरह से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सामने आई है, जहां हिंदू लड़की को अगवा कर धर्म परिवर्तित करवाया गया है और अब लड़की के परिजन रोते बिलखते इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर यह जुल्म लगातार जारी है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हिंदू लड़की के परिवार वाले अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग भी बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरे हैं और इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। सामने आती रही इससे पहले भी हिंदू और सिख लड़कियों को जबरन अगवा कर धर्म परिवर्तन की आरोप लगातार लगते रहे, लेकिन पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने आता रहा। एक बार फिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू लड़की को अगवा कर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया जा रहा है और परिवार के लोग अब रोते बिलखते सड़क पर उतर कर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हिंदू लड़की को अगवा किया गया और जबरन उसे धर्म परिवर्तित उसका करवाया गया है। एक के बाद एक कई घटनाएं पाकिस्तान से इस तरह सामने आ रही है। सिंध प्रांत में एक और घटना ऐसी सामने आई है, जब हिंदू लड़की के परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगाते हुए सड़कों पर उतरे हैं। बड़ी तादाद में लोग उनके सपोर्ट में सामने आए। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया है, जिसमें वो किसी आपराधिक मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस किसी भी आरोपी की संपत्ति को जब्त नहीं कर पाएगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि अचल संपत्ति जब्त करने का अधिकार पुलिस को नहीं होगा जब तक कि मामला विचाराधीन हो। किसी भी आपराधिक मामले में पूरी तफ्तीश के दौरान किसी भी तरह से आरोपी की अचल संपत्ति को पुलिस जब्त नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बड़ा फैसला सुनाया है और ये एक सबसे अहम बात भी। हमारे सहयोगी एहतिशाम इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। एहतिशाम, आखिर किस केस की सुनवाई के वक्त ये बेहद अहम और खास बात कही गई? देखिए, ये मामला महाराष्ट्र का है, जहां पर हाई कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया था। वहां पे मामला ये आया कि अगर किसी व्यक्ति की अचल संपत्ति है, जैसे जमीन जायदाद है, और उसको कई बार ये होता है कि पुलिस को सीआरपीसी में ये अधिकार था कि उस अचल संपत्ति को जब्त कर ले, लेकिन इसी मामले को, इसी प्रावधान को चुनौती दी गई थी वहां पे महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में। और वहां भी उस वक्त भी यही कोर्ट ने कहा था कि जो अचल संपत्ति है उसको जब्त करने का अधिकार पुलिस के पास नहीं होगा जब तक के उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या सुनवाई चल रही है। हाँ, जो चल संपत्ति है, जैसे बैंक अकाउंट्स होते हैं और इस तरह की जो चीजें हैं, उसको फ्रीज किया जा सकता है, इसका अधिकार पुलिस के पास रहेगा, लेकिन जो अचल संपत्ति है उस पे पुलिस तहकीकात के दौरान उसको जब्त नहीं कर पाएगी। शुक्रिया एहतिशाम। उत्तर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी के दो नेताओं के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही नेताओं ने जमीन के खरीदने का दावा किया और एक दूसरे से उलझ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर बहस होने लगी। मौके पर पुलिस की मौजूदगी में दोनों नेता जमीन को अपना बताते हुए एक दूसरे पर उस पर कब्जा करने का आरोप लगाने लगे। हैरानी की बात ये थी कि जिस जमीन के लिए दोनों आपस में लड़ रहे थे, उसके पास जमीन के कागजात मौजूद नहीं थे। बताया गया कि जमीन विवाद का ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। इससे पहले जब एक पक्ष की ओर से जमीन पर बन रहे इमारत को गिराने के लिए वहां बुलडोजर ले जाया गया, तो दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए और विवाद बढ़ गया। जमीन विवाद को बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को सख्त चेतावनी दी। ये सब बिना नंबर की गाड़ियां, ये गुंडागर्दी कर रहा है। सरकारी जमीन सरकारी नहीं है, मेरी नहीं है। तू बहुत बड़ा गुंडा हो गया, प्रॉपर्टी का कब्जा करने आया तू? मैं खरीदा हूँ। अधिकारिता को लेकर कोई विवाद ना हो, डिस्प्यूट ना हो, बलवा ना हो, ये पुलिस का काम है। तो हमने एडिशनल एसपी साउथ को निर्देशित किया है दोनों पक्षों का प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दें। ऐसी घटना अगर दोबारा घटित होती है, फाइनल बॉन्ड ओवर कर रहे हैं, दोनों पक्षों को हम जेल भेजेंगे। और एक
बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वो 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस का और उनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस का हवाला देते हुए इन बैंकों ने अपने ग्राहकों से रिक्वेस्ट किया। और उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में खासतौर पर, जोगेश्वरी में किस तरह से ग्राहक अब सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपए ही ग्राहक निकाल सकेंगे इन बैंकों से। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंकों के सामने इस तरह से अब लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि अपना ही पैसा आखिर वो 1,000 रुपए से ज्यादा क्यों नहीं निकाल सकते जो उनके खाते में जमा हुआ है। दरअसल पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ने अपने ग्राहकों को ये बात कह दी है कि आरबीआई की कुछ रिस्ट्रिक्शंस के आधार पर अब फिलहाल हमारे ग्राहक अपने खाते से सिर्फ 1,000 रुपए ही निकाल सकते हैं 6 महीने तक। आशीष सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, बैंक क्या कह रही है अपने ग्राहकों से और ग्राहकों का विरोध अब किस बात को लेकर? जी, बैंक में है बाहर नोटिस लगा के रखा है। इसके अलावा बैंक के जो खाता धारक है उनको मैसेज भी गया हुआ है सुबह, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आरबीआई ने सेक्शन 35A लगाया, यानी कहीं ना कहीं इन रेगुलरिटीज का मामला उभर कर सामने आता है, जिसके तहत बैंक के ऊपर आरबीआई की गाइडलाइंस, जो एक तरह से कहा जाए कि ट्रांजेक्शन को लेकर केवल 1,000 रुपए तक ही खाता धारक जो है वो रोजाना निकाल सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात कि बैंक किसी भी तरह का लोन डिसबर्स नहीं कर सकती, किसी तरह का लोन नहीं दे सकती, किसी भी तरह के जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो नहीं कर सकती, जिसके चलते कहीं कहीं ग्राहक जो खाता धारक है उनका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो पूरे मुंबई में जितने भी पीएमसी की शाखाएं हैं वहां पर खाता धारकों का एक जमावड़ा सा इकट्ठा हो गया। बैंक से किसी भी तरह का क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं आया हुआ है कि आखिरकार ये किस वजह से जो है 35A लगाया गया है, किस वजह से जो है सिचुएशन इस तरह की आई है, अचानक में हुए इस मैसेज को लेकर खाता धारक और साथ ही साथ जो बैंक से जुड़े हुए लोग हैं वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। शुक्रिया आशीष।